brain. Caillou! You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With Mommy and Daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Caillou. 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 I'm Caillou. That's me! Caillou or crossword? बेवकूफ पंछी, मैंने अच्छा किया ना? बेवकूफ पंछी इस बार मेरे रास्ते में नहीं आए। हाँ, पागल पंछी। कायो और लियो स्केटबोर्ड वाले लड़के को देखकर खुश थे और वो भी स्केटबोर्ड ट्राई करना चाहते थे। मेरा नाम लियो है। मैं हूँ कायो। क्या तुम स्केटबोर्ड चलाना जानते हो? नहीं। जल्दी ट्राई करो, मुझे घर जाना है। तुमने अच्छा किया। हाँ। अब मैं चलता हूँ। बाय कायो, बाय लियो। बाय। देखो क्लेमेंटाइन आ रही है। पता है आज मैंने खुद स्केटबोर्ड चलाया। क्लेमेंटाइन, तुमने नहीं चलाया, मैंने देखा था तुम्हें। उस लड़के ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। क्लेमेंटाइन, तुम बेवकूफ हो। हाँ, तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। आज कायो और लियो ने जो देखा और किया उससे वो बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्लेमेंटाइन के दिल को ठेस पहुंचाई है। मुझे देखो रोजी, हूँ ना मैं कूल? बेवकूफ क्यूब्स। बेवकूफ। बेवकूफ। रोजी, ये शब्द कहाँ से सीखा? बेवकूफ। ये एक बहुत बुरा शब्द है रोजी। हेलो। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? ओह, फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके, बाय। कायो, रोजी एक ऐसा शब्द बोल रही है जो अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? और क्लेमेंटाइन की मम्मी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने तुम्हारे पार्क में जाने के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि तुमने और लियो ने क्लेमेंटाइन के साथ बहुत बुरी बात की। पर लियो और मैं तो बस खेल रहे थे मम्मी। ये मत समझना कि ये एक अच्छा खेल है। तुमने क्लेमेंटाइन का दिल दुखाया कायो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हें क्लेमेंटाइन से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या मैं क्लेमेंटाइन से बात करूं मम्मी? क्लेमेंटाइन, मैं कायो बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हें बेवकूफ बोलने के लिए। कायो ने क्लेमेंटाइन से माफी मांग ली और वो दोनों काफी खुश थे। और उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो स्केटबोर्ड वाला लड़का भी वही था। कितना बढ़िया है। हाय कायो, क्लेमेंटाइन तुम भी स्केटबोर्ड ट्राई करोगी? मिला रॉबी से। कायो उस सुहाने दिन पार्क में जाकर काफी खुश था। देखिए मम्मी, मैं झूला झूल रहा हूँ। वाव, तुम तो जल्दी ही पेड़ों की डाली झूलोगे। धक्का मारिए, मजे भी। तैयार? खेलने जा रहा हूँ। ओके, तब तक मैं और रोजी यहीं रहेंगे। कायो उस लड़के के साथ खेलना चाहता था और उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। क्या मैं भी खेल
समझ नहीं पाया कि वो लड़का उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। हेलो। चलो वापस चलकर देखते हैं आखिर क्या बात है। ये तो बहुत बड़ा किला है। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये है कायू और रोजी। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। ये मेरा बेटा है रॉबी। हम हाल ही में आपके पड़ोस में रहने आए हैं। ये मेरे साथ नहीं खेल रहा। ऐसी बात नहीं है कायू, रॉबी ने तुम्हें अपने पीछे आते हुए नहीं देखा। तुमने छुआ तो ये हैरान हो गया क्योंकि ये सुन नहीं सकता। डेफ क्या होता है मम्मी? डेफ उन्हें कहते हैं जिनके कान खराब होते हैं और जो सुन नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे कि तुम अपने कान बंद कर लेते हो और सुन नहीं पाते। कायू को उनकी बातें समझ में नहीं आई, बस उसे ये समझ आया कि उसे उसके साथ खेलना था। मैं खोदने वाला हूँ एक बड़ा गड्ढा। ठीक है, हम यहीं बैठकर देखेंगे। क्या मैं ये ले सकता हूँ? कायू को लगा कि अगर वो जोर से बोलेगा तो शायद रॉबी सुन पाएगा। क्या मैं तुम्हारा ये खिलौना लूं? कायू ने रॉबी को दिखाने की भी कोशिश की कि उसे क्या चाहिए था। ऐसा मत करो, छोड़ो इसे। मामी। क्या बात है कायू? ये मुझे गड्ढा नहीं खोदने दे रहा है। तुम रॉबी को किला बनाने में मदद क्यों नहीं करते? अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो बहुत सुंदर बनेगा। ये लो। कायू और रॉबी को साथ खेलने में मजा आने लगा। उसे समझ नहीं आया कि रॉबी उंगलियां क्यों घुमा रहा है। उसे लगा ये कोई गेम है। कायू, तुम ठीक तो हो ना? मैं सीसो से गिर गया। कायू को चोट नहीं लगी थी पर वो काफी नाराज था। क्या तुम ठीक हो? चलो आइसक्रीम खाते हैं, क्या उससे तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। पिंक, मुझे पिंक वाली चाहिए। एक चेरी और एक ऑरेंज आइसक्रीम देना। मुझे लगता है वो कह रहा है कि ये ठंडी है। अदला बदली करोगे? क्या ये हमारे घर खेलने के लिए आ सकता है? बिल्कुल, अगर उसकी मम्मी को एतराज ना हो। मुझे कोई एतराज नहीं है कायू। कल दोपहर का वक्त कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कायू। बाय। बाय बाय रॉबी। उंगलियों के साथ क्या कर रहा था? उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। ये लोग हाथों का इस्तेमाल करके बात करते हैं। कुकी। जरूर एवेलिन आई होगी। और रॉबी। हाय, सब कैसे हो? हाय, अंदर आ जाओ। रॉबी को ड्राइंग करना पसंद है, क्या तुम्हें भी पसंद है कायू? ये है एक रॉकेट शिप, मैं बनाऊंगा एक स्पेसमैन। मुझे ये वाला चाहिए। कायू को बुरा लगा कि उसने रॉबी का क्रेयॉन तोड़ दिया था। उसने उसे जोड़ने की भी कोशिश की पर वो जुड़ा नहीं। रॉबी की नकल करने की भी कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। ग
Gilbert! हम है कैट्स। मियाओ, मियाओ। देखो, एक पंछी। कायू और रॉबी को कैट्स और बर्ड्स बनकर इतना मजा आ रहा था कि वो इस खेल को बंद नहीं करना चाहता था। सुनो बच्चों, अब रॉबी को घर जाना होगा। नहीं, मैं चाहता हूँ रॉबी और खेले। फिक्र मत करो कायू, रॉबी तुमसे फिर मिलने आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम तुम हमारे घर आ जाना। ये क्या बोल रहा है? ये साइन दोस्ती का होता है। रॉबी कह रहा है कि तुम इसके दोस्त हो, तुम भी इसे इस तरह से करके दिखाओ। देखो रॉबी। कायू खुश था कि उसने एक नया दोस्त बनाया था, और इसलिए भी खुश था कि उसे नए तरीके से बात करने आ गई थी। पिनाटा का खेल। एक दिन कायू बहुत जल्दी उठ गया। उसे पोस्टमैन के आने का इंतजार था, क्योंकि उसे अपने दोस्त जेवियर की चिट्ठी का इंतजार था। कायू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चिट्ठी का इंतजार कर रहा हूँ। और तुम्हारा नाश्ता इंतजार कर रहा है। अब बस करो और जल्दी चलो, तुम्हारी चिट्ठी आ जाएगी। डैडी, खा लिया मामी। क्या कहा? सच में खा लिया? बस खा ही लिया डैडी। कायू जल्दी से जल्दी अपना नाश्ता खत्म करना चाहता था, ताकि उसकी चिट्ठी आते ही वो उसे ले ले। जब कायू अपना नाश्ता खत्म कर रहा था, तो रोजी उसकी चिट्ठियां ले रही थी। क्या मेरी चिट्ठी आ गई? बुरा मत मानना कायू, हो सकता है कल आ जाएगी। मुझे वो अभी चाहिए मामी। कायू जेवियर की चिट्ठी ना पाकर बेहद उदास हो गया। पर तभी कायू को यकीन था कि वो उसी की चिट्ठी है। रोजी, लाओ मुझे दो। इसमें क्या लिखा है? ये जेवियर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है, और सिर्फ पार्टी ही नहीं है बल्कि मैक्सिकन खाना भी होगा। ये क्या है? इसे पिनियाटा कहते हैं। पर ये पिनियाटा क्या होता है? यानी कि ये एक तरह का खेल होता है, उसके अंदर एक सरप्राइज होता है। किस तरह का सरप्राइज मम्मी? अगर मम्मी ने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो सरप्राइज कैसा? वो बहुत ही बढ़िया सरप्राइज होगा। बताइए ना मम्मी। तुम्हें जब पार्टी में पता चलेगा तब और मजा आएगा कायू। ये मजा आएगा। चलो चलो चलो। चलो बच्चों, पिनियाटा खेलते हैं। पिनियाटा के अंदर एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है? अगर तुम पिनियाटा को इस छड़ी से मारोगे तो वो फट जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा। कायू समझ नहीं पाया कि पिनियाटा कहाँ था, पर उसे गेम खेलने में मजा आया। अब क्लेमेंटाइन की बारी थी, और उसके बाद जेवियर की। अब खेल और भी मजेदार होता जा रहा है। पिनियाटा बस टूटने ही वाला था। मैं इसे तोड़ूंगा। कमान कमान, चलो तुम कर सकते हो। कायू ने सरप्राइज की आवाज को सुना, और फिर उसने सरप्राइज को देखा। पूरा पिनियाटा कैंडी से भरा हुआ था। मुझे भी चाहिए। कायू का प्रॉमिस। रोजी, ऐसा मत करो। मामी, मामी, मैं नहीं चाहता कि रोजी मेरे साथ सैंडबॉक्स में खेले।
ओके, अब लड़ना बंद करो। कायू, तुम्हें अपनी छोटी बहन के साथ अच्छे से खेलना चाहिए। ये सैंडबॉक्स तुम दोनों के लिए है। पर वर कुछ नहीं, अब मुझे जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रोजी के साथ अच्छे से खेलोगी। कायू गुस्सा हो गया क्योंकि उसे लगा कि मम्मी ने ये ठीक नहीं किया क्योंकि शुरुआत रोजी ने की थी। प्रॉमिस? ठीक है। बाय डियर, अपना ख्याल रखना। बाय। ओह, क्या तुम किचन साफ कर दोगे प्लीज? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता हूँ, जल्दी आना। मुझे जल्दी ये काम करना चाहिए, तुम इसमें मेरी मदद करोगे कायू? गिल्बर्ट, तुम टेबल पर मत चलो। कायू, गिल्बर्ट को बाहर भेज दो। चलो जाओ गिल्बर्ट। अब जब कायू अकेला था तो उसे लगा कि कार से खेलने का ये सही वक्त है। अब ठीक है, मदद के लिए तैयार हो कायू? कायू कहाँ चला गया रोजी? कायू, क्या तुम डिशेस धोने में मेरी मदद नहीं करोगे? मैं खेल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि रोजी मेरे साथ सैंडबॉक्स में खेले। क्या तुम मम्मी से किया अपना प्रॉमिस भूल गए कायू? तुम्हें रोजी के साथ अपना सैंडबॉक्स शेयर करना है ना? कभी भी किसी से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ते, समझे कायू? हम थोड़ी देर रोजी को यहाँ खेलने देते हैं और अपना काम भी निपटा लेते हैं। रोजी खेलेगी। ठीक है रोजी, तुम थोड़ी देर खेल सकती हो। कायू को डैडी की मदद करने में बहुत मजा आ रहा था, भले ही वो सिर्फ बबल्स के साथ खेलना ही क्यों ना हो। लगता है तुम्हें भी साफ करना पड़ेगा। ये लो, सारा काम हो गया, तो क्या अब हम पार्क में चलें? कायू अपने दोस्तों के साथ सैंडबॉक्स में खेलकर खुश था, खासकर इस बात से खुश था कि वहाँ रोजी उसे तंग करने के लिए नहीं थी। आज हम सर्कस देखने जाने वाले हैं। सर्कस देखने? हाँ, लंच के बाद हमारी मम्मी हमें लेने आने वाली है। कायू को सर्कस देखना बहुत पसंद था, वो काफी दिनों से सर्कस देखने नहीं गया था। वहाँ एक बड़ा सा टेंट होगा और एक एलिफेंट भी, बहुत बड़ा होगा। क्या तुम भी सर्कस देखने जाने वाले हो? कायू नहीं जानता था कि उसके मम्मी डैडी उसे सर्कस दिखाने ले जाएंगे या नहीं, पर उसे उम्मीद थी कि वो ले जाएंगे। सर्कस जा सकते हैं? कौन सा सर्कस कायू? जेसन और जेफरी सर्कस देखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ बड़ा सा टेंट और एक एलिफेंट भी होगा। एलिफेंट? मुझे नहीं पता था कायू बेटा कि शहर में कोई सर्कस लगा है, पर हम आज नहीं जा सकते, किसी और दिन चलेंगे। ओके, क्या हम कल जा सकते हैं? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मम्मी घर आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या हम सब कल जा सकते हैं। ओके, डैडी ने कल मुझे ले जाने का प्रॉमिस किया है। तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। कायू को लगा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कल जाने से अच्छा था कि वो उन दोनों भाइयों के साथ आज ही चला जाए। कल का इंतजार कौन करे? पर हमें मम्मी से पूछना होगा। प्रॉमिस? बाय कायू, फिर मिलेंगे। कायू बहुत खुश था, उसे यकीन था कि वो आज जेसन और जेफरी के साथ सर्कस देखने जाएगा। कायू, धीरे खाओ, तुम कितने जल्दी खा रहे हो? मुझे जल्दी खाना है, जेसन और जेफरी मुझे लेने आ रहे हैं। कायू, जब मुंह में खाना हो तो बात नहीं करते। मुझे जल्दी खाना होगा, जेसन और जेफरी मुझे लेने आ रहे हैं। वो आ रहे हैं? हम सब सर्कस देखने जा रहे हैं। मैं भी नहीं रोजी, वो मेरे दोस्त है, तुम नहीं जाओगी। कायू, ये अच्छी बात नहीं है, उन बच्चों की मम्मी ने तो पार्क में मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मुझे नहीं लगता वो तुम्हें ले जाएंगे। पर उन्होंने प्रॉमिस किया था। कायू
बहुत नाराज था। उसे यकीन था कि उसके दोस्त उसे अपने साथ सर्कस देखने ले जाएंगे। उसे समझ नहीं आया कि वो प्रॉमिस करके उसे क्यों नहीं ले जाएंगे। तुम इतने गुस्से में क्यों हो कायू? उन्होंने प्रॉमिस किया था डैडी। और मैंने तुमसे कहा था कि प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए, कहा था ना? मुझे लगता है उन्होंने जल्दबाजी में तुमसे प्रॉमिस किया होगा। लगता है वो पहले अपने मम्मी से पूछना भूल गए होंगे। सभी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, और वो तो तुम्हारे दोस्त हैं। हो सकता है वो तुम्हें ले जाना भूल गए हों। पर मुझे सर्कस देखने जाना है। मुझे पता है कायू, हम जरूर जाएंगे। लगता है वो आ गए। हाय कायू। वो ये देखकर उदास हो गया कि उसके दोस्त नहीं आए हैं। कायू, इतने उदास क्यों हो? तुम्हें पता है शहर में सर्कस आया है। मैंने घर आते वक्त उनका बड़ा सा टेंट देखा। कायू को भी पता है। क्या आज का दिन मजेदार रहा? हाँ, कायू ने घर के काम में मेरी मदद की। मैंने रोजी को सैंडबॉक्स में खेलने दिया जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मैं जानती थी। तो फिर सर्कस देखने चले? सच में अभी जाएंगे? रोजी चलो, हम सर्कस जा रहे हैं। कायू खुश था कि वो सर्कस देखने जा रहा था और उसे कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।